नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं भाई राजस्थान के बहरोड में और ये लगे हुए हैं भाई संतरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई राजस्थान में भी संतरा तैयार होने लग रही हैं। अभी तक हमने सुना था कि नासिक में तैयार होती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? भाई साहब कपिल यादव नाम है, ग्राम बूडवाल है और तहसील बहरोड, जिला कोटपुतली बहरोड, जो कि एक गांव है हरियाणा सीमा के जस्ट पास में, राजस्थान में पड़ता है सर ये। तो ये कमाल कैसे कर दिया आपने, संतरा उगा दी? सर देखो, मोस्टली ये कहते हैं कि जो संतरा है उसमें हमारा नागपुर सबसे ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र में, और हमारे पूरे भारत को संतरा की सप्लाई नागपुर से होती है। जी जी। तो ये वहाँ से जो साइंटिस्ट है उनके कहने पे हमने यहाँ पे ट्रायल के रूप में लगाया था। तो ट्रायल क्या, ये तो रिस्क लिया है आपने पूरा पूरा? बिल्कुल सर, ये कह सकते हैं हम कि 100% रिस्क था कि यदि ये फ्रूटिंग पे नहीं आता प्लांट या फिर और कोई दिक्कत आ सकती, पर प्रॉपर तरीके से फ्रूटिंग पे आया है, अच्छी प्लांट की ग्रोथ है। 25 नवंबर 2020 का लगा हुआ प्लांटेशन है। जी जी। इस नवंबर में 3 साल होंगे, 3 साल का होगा और फ्रूटिंग आई हुई है। साल में इसकी पहली फ्रूटिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से 2.5 साल पे शुरू हो गया था। जी। कितने पौधे हैं अपने पास? सर ये 500 पौधे हैं अपने पास संतरा के। 500 पौधे हैं। कितने बाई कितने पे लगा रखा है ये? 15x10 की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग भी करते हो? इंटरक्रॉपिंग बिल्कुल करते हैं सर, जो ये बीच में आप स्पेस देख रहे हो इसमें जो सब्जी वगैरह लगाते हैं मेनली। ऐसी कोई भी फसल नहीं लगानी जिसको पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितने भी सिट्रस के प्लांट होते हैं उनको पानी कम चाहिए होता है। जी। तो ऐसी फसल नहीं लगती, बाकी आप इंटरक्रॉपिंग में सब्जियाँ वगैरह लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि शुरुआत में पौधे लगाते हैं जी सर, तो कैसे क्या करना चाहिए, गड्ढा कितने बाय कितने का करना चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर देखो, जो पौधा किस चीज़ का लगा रहा है उस पर डिपेंड होता है, लेकिन मोस्टली जैसे जिसकी जड़ें ज़्यादा गहरी, जैसे आम का पौधा लगाएं तो उसके लिए तो ज़्यादा गहरे और चौड़े गड्ढे की जरूरत पड़ेगी जी। पर जो ये मौसमी संतरा लगा हुआ था इसमें हमने 2x2 का, यानी कि 2x2 की चौड़ाई थी और लगभग 2 फीट गहराई का गड्ढा बनाया था, और उसमें हमने डाला था 15 से 20 किलो सड़ी गली गोबर की खाद और 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट। स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही दिया था, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ देने की पौधे को जरूरत नहीं है। शुरुआत में सिर्फ जड़ों की ग्रोथ के लिए SSP और गोबर की खाद जरूरी होती है। जी जी। उसके बाद एक साल बाद जो फरवरी आई थी उसमें हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट डलवाया था और पोटास डलवाया था और DAP डलवाया था। ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है? ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है सर, इसमें ड्रिप लाइन है जो अंडरग्राउंड जमीन में दबा रखी है ताकि भवाई जुताई में दिक्कत ना आए, फोल्ड ना करनी पड़े हमें और ये खराब भी ना हो। तो राजस्थान सरकार कोई सब्सिडी देती है पौधे पे ड्रिप सिस्टम पे? ड्रिप सिस्टम पे सब्सिडी मिली थी मुझे 70%। जी जी। लघु सीमांत किसान जो होते हैं उनको 70% सब्सिडी मिलती है। हाँ जी। और पौधे का गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि एक जोन बांट रखा है, पर जोन के हिसाब से उन्होंने अपनी फसल डिसाइड कर रखी है। मेरे एरिए में वो मौसमी पे और नींबू के ऊपर सब्सिडी देते हैं जी, तो मुझे मौसमी के ऊपर सब्सिडी मिली थी पर संतरा के ऊपर मुझे सब्सिडी नहीं मिली जी। आपने मौसमी और अमरूद? हाँ सर, मौसमी लगा रखा है, अमरूद लगा रखा है और संतरा लगा रखा है। अब जो अगला मेरा प्लांटेशन होने वाला है वो मैं 600 पिलर लगा रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट के और 600 पौधे लगा रहा हूँ रेड डायमंड के। अच्छा, अमरूद की वैरायटी है? हाँ, रेड डायमंड। अमरूद में प्रॉफिट अच्छा है तो हम अमरूद का एरिया जो है वो बढ़ा रहे हैं जी। और अच्छी किस्म है प्रेजेंट में रेड डायमंड, कलर अच्छा है, मिठास अच्छा है, कलर साइज अच्छा है फ्रूट का। जी जी। तो हम रेड डायमंड लगाएंगे और ड्रैगन फ्रूट लगाएंगे। अच्छा, ये जो फ्रूट लगा हुआ है संतरा वाला जी सर, तैयार कब होता है? सर हमारे यहाँ पे जब नागपुर का संतरा ख़त्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद तैयार होगा। तो किसान को सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि जब मंडी के अंदर संतरा ख़त्म होने लग जाएगा तब हमें मिलेगा, तो इसका रेट अच्छा मिल जाएगा। और हमारे यहाँ तैयार होगा ये दिसंबर और जनवरी में। अच्छा जी, दिसंबर और जनवरी में। साइज लगभग कितना ले लेता है? साइज सर अब ये मानो कि इसका 50% साइज हो गया। हाँ हाँ, तो इसका इतना तक आ जाएगा। कुछ पौधे हैं जिन पे साइज और भी मोटा है। हाँ। और यदि हमें साइज बढ़ाना होगा तो हम इसकी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं जी जी। और अभी तो जैसे इस साल हमने इस पे फ्रूटिंग लेने के लिए कुछ भी नहीं किया था जी जी। हालांकि हमने 5% यूरिया का स्प्रे जरूर करवाया था ताकि फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाए, लेकिन उसके करवाने के बावजूद भी इस पौधे ने इतनी सारी फ्रूटिंग रोक ली। और प्रॉपर तरीके से यदि फ्रूटिंग के हिसाब से काम किया जाएगा पौधे के ऊपर तो इसका साइज काफ़ी अच्छा आ जाएगा। आप फ्रूटिंग क्यों नहीं लेना चाह रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि अभी बगीचा जो है वो 2.5 साल का हुआ है जी, तो ये वाली फ्रूटिंग ना लें तो पौधे की जो ग्रोथ है ना वो अच्छे से हो जाए, एकदम मैच्योर हो जाए जी जी, उसके बाद फ्रूटिंग आ जाएगी। 1 साल लेट जरूर आएगी पर फिर अच्छी आएगी जी। ये सोच के हमने फ्रूटिंग को अवॉइड करने की कोशिश करी थी जी जी। तो बागवानी जैसे करते हैं जी, तो आम फसल के मुकाबले में कितना प्रॉफिट है इसमें?
सर आप किसी भी मतलब बागवानी में किसी भी वैरायटी का पौधा लगा लो, मौसमी, संतरा, किन्नू, प्रति पौधे के हिसाब से आपको 1,000 रुपये आराम से मिल जाता है। जी जी। और जो नॉर्मल फसल होती है ना उससे लगभग 4 से 5 गुना प्रॉफिटेबल है बागवानी। जी। तो जो युवा हैं जो कंपनियों में जाना चाहते हैं पढ़ाई करके भी गांव छोड़ के, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि कंपनी में जाने से अच्छा है कि यदि खुद का कुछ किया जाए जी तो वो सबसे बेटर है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? सर मैंने बीकॉम किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमकॉम किया। जी। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए खूब तैयारी करी, 4-5 साल खूब मचक की तैयारी करी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। फिर उसके बाद पापा का तो यही डिसीजन था कि भाई कॉमर्स फील्ड से हो तो अकाउंट साइड से कंपनी वंपनी देख लो, कोई अपना हो जाएगा कुछ। जी जी। पर मैंने लास्ट में ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमें अपना खुद का कुछ करना है। जी जी। जब हमारे पास खेत वेत हैं, अपना सारा सेटअप है, जी जी, थोड़ा सा इन्वेस्ट है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जी। अपनी नर्सरी भी है? हाँ सर, इसमें जब मेरे को अच्छे से प्रॉफिट हुआ और जब मैं ये पौधे लगाने के लिए नर्सरी में ढूंढ रहा था तो मेरे को अच्छी क्वालिटी के पौधे नहीं मिले, तब मेरे को दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना यार हम किसानों के लिए ये काम भी कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी के पौधे उनको उपलब्ध करवाएं। जी जी। क्योंकि मैं भी उस चीज़ के लिए परेशान